हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने द ब्रूक वाला पोएम भी पढ़ा। लूसी डायमंड के द्वारा लिखा गया है। इसमें ये एक स्पीकर जो एक छोटी बच्ची है उसके वो बोल रही है कि हम आई लाइक टू वॉच द मेरी ब्रूक। मैं एक आनंद से भरी हुई छोटी जलधारा को मैं देखना पसंद करती हूँ। गो रिपलिंग ऑन इट्स वे, जो बहती जाती है छोटी छोटी लहरें बनाती हुई, जो अटखेलियाँ करती हुई जाती है अपने रास्ते पर। इट सिंग्स मी सच ए हैप्पी सॉन्ग, ये मुझे इतना बढ़िया प्यारा खुशी वाला गीत सुनाती है गाकर। ऑल थ्रू द समर डे, पूरे गर्मी के दिन के दौरान, पूरे मुझे गर्मी के दिनों में वो क्या करती है, दिन भर मुझे गीत सुनाती है, खुशनुमा गीत। इट टेल्स मी टेल्स ऑफ मेनी थिंग्स, ये मुझे कई चीज़ों के बारे में कहानियाँ बताती है, कहती है, सुनाती है। टेल का मतलब, टी ए एल ई का मतलब कहानी, और टी ई एल एल का मतलब कहना, बताना। ये मुझे कई सारी कहानियाँ बताती है, कहती है। एज ऑन द ग्रास आई लाई, जब मैं घास पर लेटती हूँ। अबाउट द हिल्स फ्रॉम विच इट केम, तो जब मैं घास पर लेटती हूँ तो मुझे कई सारी कहानियाँ सुनाती है। किसके बारे में? अबाउट द हिल्स फ्रॉम विच इट केम, जहाँ से ये, जिन पहाड़ियों से ये आई है वहाँ से, उनके बारे में। एंड वेयर इट गोज़ एंड वाई, और जहाँ ये जाती है और क्यों जाती है, इसके बारे में वो कहानियाँ सुनाती हैं। एंड इफ़ आई हैड अ टाइनी बोट, ये बच्चे का मन है जो ये सोचता है कि अगर मेरे पास एक छोटी नाव होती, अ सेलिंग आई वुड्स गो, और मैं नाव चलाते हुए जाती। एंड हैसन विद द ब्रूक टू ज्वाइन, और मैं तेज़ी से जाती क्या करने, इस जलधारा के साथ ज्वाइन करने। किसको ज्वाइन करने? द रिवर डीप एंड स्लो, जो धीमी बहती हुई बड़ी नदी है, गहरी वाली नदी, जहाँ ये जाकर छोटी धारा मिल जाएगी, उसमें जाकर मिलने के लिए मैं इसके साथ साथ जल्दी जल्दी जाती। तो इस तरह से ये पोएम यहाँ ख़त्म हो जाती है, एक छोटे बच्चे की कल्पना के बारे में जो एक छोटी नदी को देखकर बहुत ही खुश होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।